किसी भी रिलीजन के इंसान को आप उसको चेंज नहीं कर सकते। कोई तिलक लगा रहा है आप उसको चेंज नहीं कर सकते। कोई अगर वाइट इस तरह क्लोज पे आप उसको चेंज नहीं कर सकते। द गुड थिंग इज टू एडजस्ट। एक चीज होती है ब्रांड आइडेंटिटी, और दुनिया के अंदर जितने भी ब्रांड्स एग्जिस्ट करते हैं, लेट सपोज आप मर्सिडीज ले लें या फिर आप बीएमडब्ल्यू ले लें या फिर टोयोटा और होंडा की बात कर लेते हैं, अब दोनों के पास कुछ यूनिकनेस है, कुछ उनके यूएसपीज हैं। तो एज अ कस्टमर, एज अ कंज्यूमर, मैं ये नहीं चाहूंगा कि जो टोयोटा वाले हैं वो अपनी जो यूएसपीज हैं, जो यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं उनके वो खत्म कर दें, और मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि जो होंडा वाले हैं वो खत्म कर दें। इनफैक्ट एक कहावत है, कहा जाता है, तोरफुल अशिया बी अज़ालिया, थिंग्स आर नोन बाय देयर ऑपोजिट्स। जब एक ऑपोजिट चीज एग्जिस्ट करती है तो ही उसका जो एक ऑपोजिट है उसका हुस्न, उसका निखार पता चलता है। इसकी मिसाल ये है, कराची वालों को अगर थोड़ी बहुत अगर ठंड ना मिले तो वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते कि गर्मी क्या होती है। वो जो एक हफ्ते की सर्दी आती है ना कराची के अंदर, वह उसी समय पता चल रहा होता है जी अब टेम्परेचर थोड़ा सा जो है ना ये, वरना टेम्परेचर 29-30 हो 45 हो वो मैटर नहीं करता। तो ये चीजें ना, एक ब्रांड आइडेंटिटी जो होती है बहुत मैटर करती है किसी भी इंसान के लिए। तो जो ब्रांड आइडेंटिटी है वो एक लेवल के ऊपर रहेगी। चीजें वही है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जो मैंने शुरू में मैक्रोस भी रखे फिर माइक्रोस में भी मैं गया हूं, मैं अपनी बात वही रख रहा हूं कि द गुड रेसिपी इज टू एडजस्ट नॉट टू चेंज। और आप एक इंसान को जो है ना, किसी भी रिलीजन के इंसान को आप उसको चेंज नहीं कर सकते। कोई तिलक लगा रहा है आप उसको चेंज नहीं कर सकते। कोई अगर वाइट इस तरह क्लोज पे आप उसको चेंज नहीं कर सकते। द गुड थिंग इज टू एडजस्ट।